हेलो गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। क्या आप लोगों को पता है कि पीएम नरेंद्र मोदी कौन सी गाड़ी में घूमते हैं और वो गाड़ी कितनी सेफ है उनके लिए? अगर आप लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में तो आप लोगों को ये वीडियो देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये वीडियो लास्ट तक देखना और हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी गाड़ी है और वो कितनी ज्यादा सेफ है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। और अगर आपको ज्यादा अच्छी लगी न्यूज तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाना और साथ के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। जितने बड़े आदमी उतने ही ज्यादा दुश्मन। दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है, दूसरी बार इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, और फिर दोबारा से जनता के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें सोच रहे हैं और नई चीजें सोच के उनको फिर दोबारा से खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी हमेशा ही कुछ ना कुछ चीजों के लिए ट्रेंडिंग रहते। पिछली बार जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने रातों रात एक ऐसा ऐलान किया था कि नोट चेंज होने वाले हैं, तब उन्होंने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया था। सब जगह पर ये भागदौड़ हो गई थी, बैंकों के बाहर लाइंस लग गई थी, और वैसे भी वो काफी जगह पे काफी तरीकों से ट्रेंडिंग रहते हैं। कभी वो अपने बालों की वजह से ट्रेंडिंग रहते हैं, कभी वो अपनी ड्रेसिंग सेंस की वजह से ट्रेंडिंग रहते हैं, कभी वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते हैं जनता के लिए उसकी वजह से ट्रेंडिंग रहते हैं। इस बार तो इलेक्शन जैसे वो जीते, जैसे कि वो इतनी ज्यादा वोटों से इलेक्शन जीते तो उसकी वजह से भी वो इतने ज्यादा ट्रेंडिंग हो गए। लोगों ने उनको इतना ज्यादा प्यार दिया, लोग चाहते हैं कि ऐसी दोबारा से भी सरकार आए, क्योंकि उन्होंने जब गुजरात में ऐसी सब चीजें की थी उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर आके बैठे तब लोगों को राहत आई और लोगों ने सोचा कि ये भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे और वो चेंजेस हमें दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी के साथ अगर मैं आपको बात करूं कि उनकी गाड़ी कौन सी है तो उनकी गाड़ी में क्या क्या सेफ्टीज हैं, अगर मैं उनकी गाड़ी की बात करूं तो उनकी गाड़ी है रेंज रोवर सेंटिनल, और इसमें बहुत ही ध्यान रखा गया सेफ्टी के बारे में, क्योंकि क्यों ना रखा जाए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनके ऊपर कुछ भी ऐसा हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जितने बड़े आदमी उतने ही दुश्मन, तो इस ये गाड़ी का प्राइस कम से कम 4 करोड़ रुपए है जो कि सेफ्टी के लिए लिए गए हैं। और इस गाड़ी में कम से कम 5 लोग बैठ सकते हैं, और इस गाड़ी के आजू बाजू में भी कैमराज है, अगर बाहर भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो कैमराज अंदर दिखाते कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अंदर बैठते हुए गाड़ी में भी काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं कि जैसे कि अगर सीट को कुछ कंट्रोल करना हो या कुछ भी ऐसी चीज करनी हो तो उनके सामने एक छोटा सा टैबलेट लगा हुआ है, एक मॉनिटर लगा हुआ है जिससे वो हर एक चीजें हैंडल कर सकते हैं। और ये गाड़ी के आजू बाजू सब चीजें इतनी सेफ्टी से लगाई गई है कि अगर कुछ भी हमला या कुछ भी ऐसा चीज हो जाए तो उनको कुछ भी अंदर बैठे हार्म ना हो, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो उनको कुछ भी हार्म नहीं होगा, अगर कुछ भी ऐसा हमला हो जाए या गोलियों की कुछ ऐसी चीज हो जाए या कोई बंदूक है या कुछ भी ऐसा हमला हो तो उसके लिए भी यहां इस गाड़ी में ध्यान रखा गया, क्योंकि ये गाड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। और नरेंद्र मोदी अभी काफी दिनों से सिर्फ इसी गाड़ी में दिखाई दे रहे, कहीं पे भी वो जा रहे हैं तो इसी गाड़ी को लेके जा रहे हैं, और अपने साथ जो भी उनके लोग होते हैं तब उनको भी इसी गाड़ी में सफर करवा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख के बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाना, और अगर आप नरेंद्र मोदी के फैन हो तो प्लीज हमें नरेंद्र मोदी करके हमें एक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप उनकी जीत से खुश हो और इस सेफ्टी से खुश हो कि वो इतने ज्यादा सेफ गाड़ी में घूम रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। पर अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।